आज हम दोस्तों बनाने वाले हैं दोस्तों पकोड़े की भाजी। दोस्तों पकोड़े की दोस्तों भाजी सीखना चाहते हो या दोस्तों बनाना चाहते हो तो वीडियो दोस्तों अंत तक देखते रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे दोस्तों वेजिटेबल कट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे कट कर रहा हूँ पत्ता, आपको दोस्तों कट कर लेना है पत्ता गोभी, ठीक है। तो दोस्तों पत्ता गोभी कट कर लिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कट कर लेना है थोड़ा गाजर, मैंने दोस्तों यहाँ पे गाजर भी कट कर लेता हूँ, आपको भी दोस्तों गाजर कट कर लेना होगा बारीक बारीक जैसे मैं काट रहा हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से दोस्तों बारीक बारीक एकदम कट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कट करना होगा दोस्तों बीन्स, ठीक है। बीन्स जानते हो ना, ये छोटे छोटे जो बीन्स होती है इसको दोस्तों बीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बीन्स ले लेना है, उसको भी दोस्तों आपको बारीक बारीक चोपर कर लेना है, कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा कट कर लेना होगा दोस्तों शिमला मिर्च, ठीक है। यहाँ पे मैं दोस्तों बारीक बारीक जो है शिमला मिर्च भी कट कर लेता हूँ। शिमला मिर्च कट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा कट करना होगा दोस्तों बैंगन, ठीक है, बारीक बारीक। यहाँ पे मैं दोस्तों बैंगन भी कट कर लेता हूँ बारीक बारीक। उसके बाद दोस्तों ये सारी वेजिटेबल्स दोस्तों जो है एक प्लेट में सब ले लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको ऐड करना होगा इसमें बेसन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मसाला भी ऐड कर लेना है। तो हमें दोस्तों हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा मिर्ची पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा दोस्तों धनिया पाउडर, ये सब डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डालना होगा इसमें मैदा, ठीक है। तो हमें दोस्तों मैदा डाल दिया, मैदा डालने के बाद उसको मिक्स कर लेना है। जैसे आपको दोस्तों पकौड़ा बना लेना है, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से आपको दोस्तों पहले पकौड़ा बना लेना, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये बना चुका हूँ, अभी दोस्तों हमको इसको करना है फ्राई, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे काट कर लेता हूँ थोड़ा मिर्ची, मिर्ची भी दोस्तों इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छा टेस्ट आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं बारीक बारीक थोड़ा कांदा भी कट कर लेता हूँ, मैंने दोस्तों यहाँ पे बारीक बारीक कांदा इसके लिए कट कर लिया, इस सब्जी में काम आएगा, ठीक है। तो ये भी से मैं दोस्तों यहाँ पे इसको चोपर कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दोस्तों फ्राई कर रहा हूँ पकौड़े, ठीक है। तो आपको भी दोस्तों इस तरीके से पकौड़े फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों फटाफट जो है पकौड़े फ्राई कर लेता हूँ, फ्राई करने के बाद मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अभी दोस्तों मेरे पकौड़े दोस्तों यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। फ्राई करने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पे एक बॉल में निकाल लेता हूँ, आपको दोस्तों एक बॉल में निकाल लेना होगा अच्छे बॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एक बॉल में निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा देता हूँ। सबसे पहले उसमें दोस्तों ऑयल डालता हूँ। ऑयल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जीरा मैंने डाल दिया। जीरा डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना होगा थोड़ा लहसुन, ठीक है, लहसुन अदरक का जो है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ग्रीन मिर्ची डाल देना है कट करके चोपर करके, ठीक है। अभी मैं दोस्तों वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कांदा, ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पे कांदा डाल दिया। कांदा डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से भून लेना है जब तक इसका पानी ना मर जाए कांदे का, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसको अच्छे तरीके से आपको भूजते जाना है अच्छे से, जब तक इसका कांदे का पानी ना मर जाए तब तक आपको दोस्तों इसको भूजना है, ठीक है। जैसे मैं भूज रहा हूँ आपको भी इस तरीके से दोस्तों अच्छे से पहले भूज लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा मिर्ची का पेस्ट डाल देना है। मैंने दोस्तों ऑलरेडी मिर्ची का पेस्ट बनाया हूँ, तो मिर्ची का पेस्ट मैंने यहाँ पे दोस्तों डाल दिया, ठीक है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे एक बॉल में मसाला निकाल रहा हूँ, आपको दोस्तों मसाला ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर मैंने दोस्तों यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अपने स्वाद के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्जी में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोस्तों डाल दिया, उसके बाद दोस्तों इसको मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ऐड करना होगा पानी, ठीक है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट पानी ऐड कर देता हूँ मिक्स करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पानी डाल दिया और यहाँ पे डायरेक्ट इसको मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोस्तों मिक्स कर दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा इसको ढक देना है। ढक के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसमें ना देना है पकौड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पकौड़े ना दिया। अभी दोस्तों जो मेरी भाजी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ठीक है। आइए दोस्तों जो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर